हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटेड माइंड। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मकर संक्रांति के बारे में, मकर संक्रांति और सूर्य पूजन के बारे में। लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति पर सूर्य पूजन के बारे में। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और इसी वजह से इस त्यौहार का विशेष महत्व है और इस दिन सूर्य देव की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। यह मकर संक्रांति पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव को ही समर्पित होता है। इस दिन इनके पूजा पाठ से सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है जो लोग इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सूर्य पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनके लिए सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। सूर्य पूजा में उन्हें जल से अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसी मान्यता है इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना काफी फलदायी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालें, फूल, अक्षत, रोली या लाल चंदन डालें और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपको इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम रश्म्ये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रव्ये नमः। धीरे धीरे जल डालते रहे और सूर्य देव के इन 12 नामों को साथ साथ में बोलते रहे। अर्घ देने के बाद सूर्य को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें और जो जल आपने नीचे गिराया है उसे टच करें, अपने माथे पर, अपने आँखों पर लगाएं और सूर्य देव से अपने सुखी और समृद्धि भरे जीवन की कामना करें। मकर संक्रांति के दिन इस विधि से किया गया सूर्य पूजन आपके लिए सुख और समृद्धि के सभी द्वार खोल देता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य जरूर दें और अपना सूर्य पूजन जरूर करें। आपके जीवन में सुख और समृद्धि भर भर के आएगी। थैंक यू।